भी धौरहरा की तस्वीर जरा अपने दर्शकों को दिखाते हैं एक बार। लगातार आप देख रहे हैं कि चुनाव प्रचार जारी, सीएम योगी क्या कुछ कह रहे, सुनिए। ऐसे ही हमको बाबा भोला गोकर्ण नाथ के धाम को भी करने जा रहे हैं, उसके लिए और हमने तो हर विधायक को कहा है कि हर विधानसभा क्षेत्र में किसी एक पौराणिक स्थल को इसी प्रकार से पुनरुद्धार कराओ, तो तीर्थ बन जाए, वहां का तीर्थ बन जाए। और यहां पर लोकेश प्रताप सिंह जी ने तीन स्थानों पर ऐसे किया, और मेरा भाई यही कि नहीं, पहली बार आपने देखा होगा करतारपुर साहब में कॉरिडोर का निर्माण भी हो गया है, और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की चार चार साहबजादों ने जिन्होंने सरहिंद के लिए अपने आप को बलिदान किया था, उनके नाम से 26 दिसंबर किसी भी वीरता दिवस के रूप में भी मनाने का काम भारत के अंदर हो रहा है। भैया महाराज सुहेलदेव का भव्य स्मारक पैराइट में बन गया, महाराज सुहेलदेव धर्म रक्षक थे, राष्ट्र रक्षक थे, राष्ट्र नायक थे, आज उनका भव्य स्मारक हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस स्थान पर महाराज सुहेलदेव ने सालार मसूद को मार करके भारत की रक्षा की थी, बहनों भाइयों उसी स्थल पर भव्य स्मारक बनाने का काम कर दिया गया है। और इसीलिए मैं आया हूं आपके पास, ये सत्ता हमारे लिए केवल केवल सत्ता इसलिए नहीं कि हम उस सत्ता में राज करें, ये भारत को दुनिया की बड़ी ताकत बनाने के लिए मोदी जी को तीसरा कार्यकाल आवश्यक है, और इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो परिवर्तन आपको दिखाई देगा, ये चमत्कारी नेतृत्व है मोदी जी का, उनके कारण सारी चीजें हो पा रही है। और बहनों भाई इसीलिए हो गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर अब तक तीन चरणों के चुनाव संपन्न हो गए हैं, और जहां बताते हैं कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार का लक्ष्य लगातार प्राप्ति की ओर तेजी के साथ बुलेट ट्रेन की स्पीड से भारतीय जनता पार्टी का आगे बढ़ रहा है। और बहनों भाइयों 400 पार के लक्ष्य को प्राप्त करने में धौरहरा लोकसभा क्षेत्र का भी योगदान होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने मोदी जी को आश्वासन दिया है उत्तर प्रदेश की तरफ से कि उत्तर प्रदेश 80 की 80 सीटों पर कमल खिलाने का काम करेगा, 80 कमल के मालाओं की एक फूल माला मोदी जी के गले में डालेगा। और इसीलिए मैं सबका आह्वान करने के लिए आया हूं कि धौरहरा सीट से श्रीमती रेखा वर्मा जी को आप चुनाव जिता के भेजेंगे ना, भेजेंगे भेजेंगे, पीछे तक पीछे तक मुझे बताओ, और पीछे तक गेट के पीछे भी लोग काफी बड़ी संख्या में खड़े हैं, सभी लोग सहमत हैं इधर, सभी लोग सहमत हैं। लेकिन महिला भाइयों आपको एक काम करना पड़ेगा, रेखा वर्मा जी हमारी राष्ट्रीय पदाधिकारी थी, पूरे देश के अंदर उन्हें घूमना पड़ता है, भाजपा के लिए कार्य करना होता है, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, उनके मुद्दों को लेकर के उन्हें जाना पड़ता है। आपको स्वयं ही मोदी जी का प्रतिनिधि बन करके, श्रीमती रेखा वर्मा जी का प्रतिनिधि बन करके घर घर जाना होगा। तेरा चुनाव है, आज 9 मई हो गई है, मात्र 3 दिन चुनाव प्रचार के बचेंगे, इन 3 दिन के अंदर घर घर जाकर के कमल खिलाने के लिए जनता जनार्दन के पास जाएंगे, जाएंगे सभी लोग जाएंगे, कमल खिलाने में योगदान देंगे, चुनाव के दिन पहले जलपान फिर मतदान के कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे, अपने साथ दो दो परिवारों को मतदान करने के लिए प्रेरित करेंगे, करेंगे तो फिर मेरे साथ करेंगे भारत माता की।
तो देखिए चौथे चरण के लिए 13 मई को मतदान होगा। इस बीच धौरहरा में सीएम योगी की जनसभा आप देख रहे थे, और देखिए धौरहरा की बात करें तो यहाँ पर 2 जिलों के क्षेत्र शामिल किए गए संसदीय क्षेत्र के अंदर। धौरहरा संसदीय सीट जिसको आप जानते हैं, यहाँ पर सीएम योगी जब बोलते नजर आए तो उन्होंने कहा कि एक बार फिर से मोदी सरकार होगी, और 2 जिलों के क्षेत्र में इसको इसमें शामिल किया गया, लखीमपुर खीरी और सीतापुर के क्षेत्र इस धौरहरा संसदीय क्षेत्र में शामिल हैं। अब आप जरा इसका पूरा सियासी समीकरण भी समझ लीजिए। धौरहरा संसदीय क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो देखिए बड़ी बात यह है कि धौरहरा में लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा सीटें आती हैं, और यहाँ की विधानसभा की सभी सीटों पर बीजेपी का ही कब्जा है, यानी कि 5 की 5 विधानसभा सीटें बीजेपी के ही कब्जे में हैं। मेहमानों का शुक्रिया और अभिषेक आपका भी शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। तो धौरहरा संसदीय क्षेत्र में आप सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे, जमकर हमला बोला विपक्षी पार्टियों पर।